नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेशन स्पीक। सुबह के 7:30 बजे का वक्त है, 15 फरवरी दिन 2023। आज का आपका राशिफल, आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है, सभी राशियों के लिए जानकारी देंगे हमें रोहित भंडारी जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य रोहित भंडारी जी। सर बहुत बहुत नमस्कार, सर स्वागत है आपका जी। रोहित जी, फिर शुरू करें आज के पंचांग के साथ ही। आज किसके लिए ये दिन कैसा रहने वाला है? बिल्कुल सर, आज 15 फरवरी 2023 दिन बुधवार है, नौवीं तिथि है, नक्षत्र ज्येष्ठा है और योग व्याधि योग है और गंड मूल का नक्षत्र है। आज का जन्म लिया हुआ बच्चा, कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो उसको गंड मूल की पूजा जरूर करानी पड़ेगी। इसके साथ साथ कृष्ण पक्ष चल रहा है और संवत 2079 चल रहा है। और इसके साथ साथ आपको ग्रह गोचर की भी जानकारी देता हूँ। सूर्य इस टाइम कुंभ राशि में है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, मंगल वृषभ राशि में है, बुध मकर राशि में है, गुरु मीन राशि में है, शुक्र कुंभ राशि में है, शनि भी कुंभ राशि में है, राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में। शनि इस टाइम अस्त चल रहे हैं, सूर्य के नजदीक है, इस कारण वो अस्त चल रहे हैं। इसके साथ साथ अभी बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। आज विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम होगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आज का दिन उनके लिए बढ़िया रहेगा। कोई फाइल लगाना चाह रहे हैं तो आज वो लगा सकते हैं। धन संपत्ति के नए नए रास्ते बनेंगे, आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है उनका। और आज सिर्फ इतना सा काम करना है कि 400 ग्राम चीनी लेकर आपने मंदिर में दे देनी है। ये काम जरूर करें ताकि आज आपके काम है जो बनने शुरू हो जाएं, उनमें आपको कोई दिक्कत ना आए। वृषभ राशि वालों के लिए बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत करने वाला और मेहनत के रिजल्ट मिलने वाला है। जितना वो मेहनत करेंगे उतने रिजल्ट मिलेंगे और उससे ज्यादा ही मेहनत के रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी काम अगर आज करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी फिर रिजल्ट मिल पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ फजूल चीजों पर खर्च हो सकता है आज के दिन, और रात की नींद थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है, रात को नींद थोड़ी सी खराब हो सकती है। इसके अलावा कोई भी परेशानी इनको नहीं आती। काम के हिसाब से आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, पैसे के हिसाब से आज का दिन शुभ रहने वाला है। यात्रा के लिए कोई छोटी मोटी यात्रा आज हो सकती है, मतलब अपने शहर से दूसरे शहर तक। बहुत लंबी यात्रा के योग तो नहीं बन रहे, लेकिन कोई छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, वो आज के दिन अगर करते हैं तो वो दिन शुभ रहेगा। करना क्या है इनको आज के दिन, सिर्फ इतना सा काम करना है कि हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें ताकि इनको लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, और जो रुके हुए काम थे वो आज पूरे होंगे और काम में नए नए रास्ते बनेंगे। और कुछ नया अगर बिजनेस शुरू करना चाहें, कुछ नया अगर व्यापार करना चाहें, कुछ नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो उधर से ऑफर लेटर मिलने के चांसेस हैं जॉब में, और साथ में अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में उन्नति के चांसेस बनेंगे। आज का दिन इनका बहुत शुभ रहने वाला है। करना क्या है, सिर्फ अपने नाभि पर केसर का तिलक लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। आज का दिन इनका बहुत शुभ रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आज मन खुश रहेगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई अच्छा मैसेज मिल सकता है, कोई ना कोई नया मेहमान आपके घर आ सकता है। तो आज के दिन मेहमानों के लिए, वेलकम के लिए तैयार रहिए। मेहमान जरूर आपके घर में कोई ना कोई आएंगे, और इसके साथ साथ आपका जो रुका हुआ काम है वो सारे पूरे हो जाएंगे। काम में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं है। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सिर्फ इतना सा ख्याल रखना है आपने, आपने कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है तो आज के दिन आप ले सकते हो, लेकिन वो जो रजिस्ट्री है उसकी, वो आपने अपने नाम पर नहीं करवानी। आज के दिन नहीं करवानी, कल करवा सकते हो। बाकी आपके आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी काम में कोई रुकावट, किसी काम में कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम रुक रहा है तो आपने क्या करना है, 8 बादाम लेकर उसको मंदिर में चढ़ा देने हैं ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है तो वो ठीक हो जाए। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। आपको आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपकी तरह आपकी कोई शादी की नई ऑफर आ सकती है। जो बच्चों की शादी होने वाली है, जो बच्चों की शादी के रास्ते रुके हुए थे,
वो उनको आज की शादी का कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई मैसेज मिल सकता है, और शुभ दिन रहेगा आज का दिन। खर्च हो सकता है, खर्च किसी भी चीज पे हो सकते हैं, कोई महंगी चीजों पे हो सकते हैं, लग्जरीज पे हो सकते हैं, कपड़ों पे हो सकते हैं, गहनों पे हो सकते हैं। खर्च का दिन रहेगा, खर्च अच्छी चीजों पर ही होगा। करना क्या है इनको, अपनी माता का पैरों को भी हाथ लगा के आशीर्वाद जरूर लें, ताकि आज किसी तरह की कोई दिक्कत इनको ना आए। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सब इच्छाएं पूरी होंगी, सब सपने पूरे होंगे। जो जो ये सोच के बैठे हैं, जो जो विचार करके बैठे हैं, वो विचार इनके आगे अच्छे होंगे। प्लानिंग सफलता की तरफ जाएगी। प्लान अच्छे अच्छे अगर लेकर बैठे हैं, उनमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ कोई नई कन्वेस, कोई नया व्हीकल इनको मिल सकता है, और आज का दिन इनका बहुत शुभ रहने वाला है। 90% आज का दिन इनका शुभ जाएगा। कुछ भी उपाय इनको करने की जरूरत नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। धन संपत्ति के नए रास्ते बनेंगे। कोई ना कोई काम में अच्छा ऑफर मिल सकता है। इसके साथ साथ कहीं यात्रा करने का भी योग बना हुआ है। कोई लंबी यात्रा तो नहीं है, लेकिन कोई छोटी मोटी यात्रा हो सकती है आपकी। इसके साथ साथ क्या करना है आपको, करना सिर्फ इतना है, 1 किलो चावल लेकर उसको मंदिर में दे देना, ताकि आपको आज का दिन शुभ रहे, आपको प्रॉब्लम आपको ना आए। थोड़ा सा ड्राइव ध्यान से करिए, थोड़े से चोट लगने के चांसेस हैं, इसलिए आपकी गाड़ी कहीं लग सकती है और चोट लगने के चांसेस बने हैं। ऐसी प्रॉब्लम आपको ना आए, 1 किलो चावल लेकर आपने मंदिर में दे देना है, ताकि आज का दिन आपका शुभ रहे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन बढ़िया दिन है। कोई कन्वेंस खरीदना चाहते हैं तो आज के लिए बढ़िया दिन है। और इसके साथ साथ धन संपत्ति के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। विदेश यात्रा अगर करना चाहो, कोई टिकट बुक करवानी चाहो घूमने फिरने के लिए, तो आज करवा सकते हो। कोई नया ऑफर मिलने के चांसेस है विदेश से संबंधित। कोई काम अगर विदेश से संबंधित रुका हुआ है, तो वो आज पूरा इनका हो सकता है। यानी कि कोई ऑफर लेटर मिल सकती है, कोई वीजा आ सकता है, तो इस तरह के चांसेस इनके बन सकते हैं। आज का दिन इनका बहुत शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनी धनुराशि वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। पैसे कहीं ना कहीं से आएंगे, जो काफी दिनों से वेट कर रहे थे पैसे का, कहीं ना कहीं रुके हुए थे, कहीं कस्टमर की तरफ लगे हुए थे या व्यापार में कहीं रुके हुए थे, वो पैसे इनको आज वापस मिलने शुरू हो जाएंगे, वापस आने शुरू हो जाएंगे। करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है इनको, 200 ग्राम चने की दाल लेकर मंदिर में दे देना, बस इतना सा काम करना। धन संपत्ति के और पैसे के नए नए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। आज का दिन इनका बहुत शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आज इनको शादी से पहले कोई प्रपोजल आ सकती है। शादी के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई जीवन साथी मिलने के चांसेस हैं, जीवन साथी पसंद आ सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी के ऑफर आ सकते हैं। आज का दिन व्यापार के लिए, काम के लिए, हेल्थ के लिए और हर चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट दिन है। आज इनको करना क्या है, सिर्फ इतना सा काम करना है, थोड़ी सी चीनी लेकर इसको मंदिर में दे देना, ताकि आज का दिन इनका शुभ रहे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। आज क्या होगा, आज थोड़ा सा मानसिक तनाव इनको रहेगा, मानसिक तनाव रहने वाला है, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा मन में भय, किसी ना किसी बात को लेकर कोई चिंता इनके मन में चल सकती है। लेकिन चिंता बिल्कुल बेकार है। जो भी सोच रहे हो, जो भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में घूम रहे हैं, वो आपको व्यर्थ सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। इसलिए व्यर्थ का ना सोचें, ज्यादा मत सोचें। इसलिए जो सोचना है पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आज का दिन आपका शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। हेल्थ आगे से इम्प्रूव होगी, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। जो लोग बीमार थे उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज बीमारी से छुटकारा मिलेगा। अगर कोई हॉस्पिटलाइज था पहले, उनको आज छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई काम रुक रहा था, उसमें आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी तरीके से कहीं नुकसान हो रहे थे, वो भी आज ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आज से इनका टाइम बढ़िया शुरू हो जाएगा मीन राशि वालों के लिए। आज रात से इनके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। करना क्या है इनको, सिर्फ इतना सा काम करना है,
हल्दी की गांठ लेकर मंदिर में दे देना, ताकि आज का दिन इनका शुभ रहे और कोई भी दिक्कत इनको लाइफ में ना आए। ये था सारी राशियों का राशिफल, मैंने आपको बता दिया। अभी समय हो रहा है रोहित जी से बात करने का। रोहित जी बिल्कुल जी, अभी भी रोहित जी बात कर रहे थे, अभी भी रोहित ही बात करेगा, दोनों तरफ रोहित ही है, तो कोई दिक्कत बिल्कुल वाली सर बात बिल्कुल नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भंडारी जी, बहुत अच्छे तरीके से आप मार्गदर्शन करते हैं, और ना सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, जो आप रेमेडीज उपाय साथ में बताते हैं वो सबके लिए बड़े लाभकारी होते हैं। लोग हर रोज बड़े शौक से सुबह 7:30 बजे आपको सुनने के लिए बैठ जाते हैं, और कहीं भी हो, वो ट्रैवल क्यों ना कर रहे हो, पर आपको सुनना नहीं भूलते हैं। आज का राशिफल में बस इतना ही रोहित जी, कल मिलेंगे आपसे नए राशिफल के साथ, नए उपायों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।